नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज की एक बहुत अच्छी और प्रस्तुति में। मैं अपनी फेवरेट फिल्म केजीएफ के बारे में बात करने जा रहा हूं। जी नहीं, केजीएफ चैप्टर वन के बारे में नहीं, केजीएफ चैप्टर टू के बारे में, जिसकी शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। और इस शूटिंग से संबंधित एक और अपडेट आपके लिए। यश के जितने भी फैंस हैं वो तमाम इस बात को जानने के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं, बड़े आतुर रहते हैं कि किस समय जो है यश काम करना शुरू करेंगे केजीएफ चैप्टर टू में। तो ये जानकारी हमारे पास आ चुकी है, यश ज्वाइन करने वाले हैं सेट्स पे केजीएफ के जून 6 को। यश विल बी ज्वाइनिंग द सेट्स ऑफ केजीएफ चैप्टर 2 ऑन जून 6 इन मैसूरू। ये शूटिंग मैसूरू में होने वाली है। ह्यूज एक्सपेक्टेशंस है फिल्म के साथ, फ्लोर्स पे जा चुकी है इस महीने के शुरुआत में, काफी अलग अलग तरह के शॉर्ट स्कैन भी किए जा चुके हैं। और चैप्टर 2 में जो है श्रीनिधि शेट्टी एज इट इज हीरोइन का रोल कर रही हैं। काफी सारे कलाकार जो पिछली बार थे वो इस बार भी दोबारा अपनी भूमिकाओं में दिखाई देंगे, जैसे अशोक कुमार हैं या वशिष्ठ सिम्हा हैं, ये तमाम कलाकार दोबारा दिखाई देंगे आपको इस पार्ट में भी। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय दत्त और रवीना टंडन भी इस फिल्म में आ सकते हैं। रवीना टंडन के बारे में ये भी अफवाहें उठ रही हैं कि वो इंदिरा गांधी का रोल करेंगी, लेकिन यदि इंदिरा गांधी हैं तो फिर वैसे हालत में जो है रमिका सेन कहां गई। तो इस बात पे आप कतई यकीन ना करें कि वो इंदिरा गांधी का रोल करने वाली, वो रमिका सेन ही का रोल कर रही हैं। और रमिका सेन का रोल जो है वो इंदिरा गांधी के रोल पर ही पैटर्न्ड है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्योंकि रमिका सेन का जो नाम भी लिया गया है वो सुचित्रा सेन के उससे लिया गया है नाम से, जो कि रोल किया था उन्होंने आंधी फिल्म में इंदिरा गांधी का। अगेन वो इंदिरा गांधी का रोल नहीं था, इंदिरा गांधी के से इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर का रोल। जो कोर क्रू है वो वापस आ रहा है, प्रशांत डायरेक्ट कर रहे हैं, रवि बसरूर संगीत दे रहे हैं, भुवन गौड़ा जो है वो कैमरा दोबारा अपने कंधे पे लेकर दौड़ने वाले हैं, और शिवा कुमार जो है वो जो भव्य सेट लगाए जाते हैं उसे लगाने में व्यस्त है। तो आप भी व्यस्त हो जाइए चैनल सब्सक्राइब करने में मेरा, और मैं व्यस्त हो जाता हूं अगली कहानी ढूंढने में। तब तक थोड़ा इजाजत, धन्यवाद।